असलम नाजरीन मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला आज की वीडियो इतहाई इम्पोर्टेंट है आप लोग यकीनी तौर पर यह जानना चाहेंगे कि हसन नसरुल्ला को किस तरह शहीद किया गया कैसे शहीद किया गया इसके साथ साथ मेरे पास दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि यमुनीओं ने एक ऐसा हमला किया है जो आज से पहले कभी नहीं किया गया था यूँ कह सकते हैं कि हसन नसरुल्ला की मौत का जो बदला है उसका आगाज़ हो चुका है यमनी ने बाकायदा तौर पर इसराइल के एयरपोर्ट को निशाना बनाया और निशाना भी उस वक्त बनाया है जब बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर मौजूद था जी हां यह आज की बहुत बड़ी खबर है इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आपको आगे चल के दूंगा नाजरीन इसके साथ साथ ईरान इस वक्त सर दस्त वो हमला क्यों नहीं कर सकता आप सोचते होंगे ईरान क्यों नहीं बदला ले रहा ईरान बरह रास्त जंग में क्यों नहीं कूद पा रहा नाजरीन तो मेरी बात हुई है कुछ एक्सपर्ट्स जो ईरान में मौजूद हैं उनसे फाई एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है लबनान में कुछ मौजूद सहाफी हैं उनसे मेरी बात हुई है उन्होंने इसकी एक बड़ी ही वैलिड रीजन दी है कि ईरान सरे दस हमला क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर रहा बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं अगर इतना ही ईरान को प्रॉब्लम है तो वो बरह रस्त इसराइल पर हमला क्यों नहीं कर सकता हालांकि वो ईरान पर हमला करने की सलाहियत रखता है ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ईरान इसराइल पर हमला करने की इसराइल को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसा नाजरीन ये आज की अहम और बड़ी खबरें हैं नाजरीन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ नाजरीन कि एक और है यूनिवर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हैं उनका नाम है नीलो वो जो है वो हसन नसरुल्ला के साथ उस वक्त बंकर में मौजूद थे जब उनकी भी शहादत हो गई है यानी ईरान के पास अपना भी अपनी भी एक वजह है क्योंकि उनका भी कमांडर इसमें शहीद हुआ है नाजिन सबसे पहले आपको बताता हूँ हसन नसरुल्ला की शहादत हुई कैसे हिजबुल्ला के सरबरा और जनरल सेक्रेटरी हसन रसुल्ला जो हैं वो 1960 में पैदा हुए थे और 1970 की दहाई में उन्होंने तहरीक मजामत जो थी उसको ज्वाइन कर लिया था और वो इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे हिजबुल्ला का हेड क्वार्टर जो कि बैरूत में मौजूद है हिजबुल्ला के हेड क्वार्टर के नीचे मज़ीद तेरह तेरह मंजिला बेसमेंट है तेरह कह लें कि तेरह बेसमेंट्स में है और तेरहवीं बेसमेंट है वहाँ पे हसन नसर मुकीम थे यानी जेर ज़मीन बंकर जो है उसकी तेरह मंजिलें हैं अगर आप लिफ्ट से तेरह मंजिलें नीचे जाएँ ज़मीन के अंदर तो वहाँ पे हसन नसरुल्ला मौजूद थे और रहा करते थे यानी इतना सिक्योर निज़ाम था उनको सिक्योर करने का आप देखेंगे कि 2006 में जो लबनान इसराइल जंग हुई थी तब भी हसन नसरुल्ला को इसराइल नहीं मार सका नाजन हुआ क्या इस दौरान जो है इसराइल ने हिज़बुल्ला के हेडकोर्टर पे बमबारी की शदीद बम्बारी की अच्छा ये जो ज़ेर ज़मीन बंकर है ये क्यों बनाए जाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आ, अगर बमबारी हो यहाँ तक कि अगर न्यूक्लियर हमला भी हो तो जेर ज़मीन बंकर जो लोग मौजूद हैं उनको नुकसान ना हो लेकिन वक्त के साथ साथ अमेरिकन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है नाजरीन कि उन्होंने एंटी बंकर मिसाइल भी बना लिए हैं या बंकर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो तैयार कर लिए हैं जो कि इसराइल के पास मौजूद थे इसराइल ने Uh, कोई छः बज के अट्ठारह मिनट यानी परसों सुबह छः बज के अट्ठारह मिनट पर एंटी बंकर मिसाइल जो है वो दागे पहले तो जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है उसको मसमार किया मसमार करने के बाद जो एंटी बंकर मिसाइल है, बड़े ही यूनिक तरीके से वो ऑपरेट करते हैं वो दागे और तेरहवीं मंजिल नीचे अंडरग्राउंड पे मौजूद हसन नसरुल्ला थे उस हमले में वो शहीद हो गए हैं तो ये था तरीका उनका लेकिन हसन नसरुल्ला उस वक्त उस मकाम पे मौजूद थे ये इंटेलिजेंस किसने इसराइल तक पहुंचाई ये बहुत बड़ा सवाल है एग्जैक्टली exactly यही कुछ जो है वो इस्माइल हनिया के साथ भी हुआ था दोस्तों देखिए टारगेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपको टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए तो एग्जैक्टली exactly यही हुआ सैयद हसन नसरुल्ला के साथ अब आ जाते हैं नाजिन हम अगली पॉइंट के ऊपर कि ईरान क्यों हमला नहीं कर सकता फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में यमन ने क्या किया दोस्तों एक नक्शा इस वक्त आपके सामने आ चुका हुआ है इस नक्शे को अगर आप देखें मेरे सामने लैपटॉप में भी नक्शा इस वक्त मौजूद है नाजरीन इस नक्शे को अगर आप देखें गौर से नाजरीन तो इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि आपको ईरान का नक्शा नज़र आएगा ठीक है और उसके साथ बिल्कुल सऊदी अरब है तुर्की है शाम है अब ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं नाजरीन ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ना ये डॉट्स जो हैं ये इस पर आपने देखा होगा जहाज बना हुआ है ये बेसिकली अमेरिकन एयर बेसिस हैं जो कि ओमान में भी हैं जो कि मुतद अरब अमारात में भी हैं सऊदी अरब में भी हैं कोत में भी हैं इराक़ में भी हैं शाम में भी हैं उर्दन में भी हैं और तुर्की में भी हैं ये अमेरिकन हवाई अड्डे फिर आपको नज़र आ रहा होगा नाजन यहाँ पर नीले रंग के डॉट्स ये बेसिकली अमेरिकन नेवल बेसिस हैं जो कि इजिप्ट में भी हैं सऊदी अरब में भी है सऊदी अरब में तो नहीं सऊदी अरब में भी हैं ये जद्दा के मकाम पर हैं ये फिर ये ओमान में भी हैं और मुतह अरब अमारात में भी ठीक है और जबूटी में भी अब गल्फ अदन और गल्फ फ़ारस पर्शियन गल्फ़ यह आपको एक छोटी सी पट्टी नज़र आ रही होगी ईरान के साथ एक समंदरी पट्टी है छोटी सी पट्टी है ये छोटी सी पट्टी का बहुत कम फासला है मुतद अरब अमारात से सऊदी अरब से ओमान से यानी वो जो हवाई अड्डे और बहरी अड्डे जो मौजूद हैं उनसे ईरान का बहुत कम फासला है इसी तरह से आपको जो ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है बाकायदा उनके फौजी अड्डे जहाँ पर उनकी मिलिट्री जो है वो मौजूद है यानी ईरान अगर इसराइल पर हमला करता है जो कि बड़े आराम से कर सकता है इसराइल दूर नहीं है ईरान से लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने बिल्कुल ईरान के सर के ऊपर बैठ के हवाई नेवल और फौजी अड्डे बना रखे हैं ईरान जैसे ही इसराइल पर हमला करेगा तो जो इसराइल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि है अमेरिका वो फौरी तौर पे पे फुल स्केल फुल स्केल स्केल वॉर जो है हमला ईरान कर देगा और ये जो गल्फ आप देख रहे हैं जिसे खलीजे फारस कहा जाता है यहां पर मुसलसल अमरीकी बहरी बेड़े जंगी जहाज वो मंडला रहे होते हैं अमेरिका सुपर पावर है अमेरिका के पास जितना असलहा है इतना शायद ही किसी और मुल्क के पास होगा तो ईरान क्या कर रहा है अब, अब ऐसा नहीं कि ईरान जो है वो हमला नहीं करेगा बाद में तुर्की में भी दो हवाई अड्डे हैं तुर्की से भी फ्लाई कर सकता है अमेरिका ईरान हमला क्यों नहीं कर रहा देखिए ईरान बहुत करीब है और मेरी ईरान में मौजूद एक एक्सपर्ट से बात हुई थी उसने कहा कि ईरान चंद हफ्तों की दूरी पर है कि वो बाकायदा तौर पर एटम बॉम बना लेगा अगर ईरान कोई वजह देता है इसराइल पर हमला करने के बाद कोई भी वजह देता है अमरीका को कि हमला करे तो अमरीका सबसे पहला निशाना बनाएगा ईरान के जौहरी प्लांट्स को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को क्योंकि तो वो खुँ, भले वो खुफिया हैं लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है उसको पता है कि ईरान के जौहरी जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और ईरान का जौहरी प्लाट जो है वह तबाह कर देगा ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर देगा ईरान चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अटामिक ताकत हासिल कर ले उसके बाद कोई वजह नहीं होगी कि वो इसराइल को भी निशाना बनाएगा और इसके साथ साथ अमेरिका के फौजी अड्डों को भी हाँ एक मसला इसमें फिर भी रह जाएगा ये अमेरिका के फौजी अड्डे मुसलमान ममालिक हैं उसमें मौजूद हैं उनमें से मुसलमान ममालिक कुछ ऐसे भी हैं जिनसे ईरान के तलुक बेहतर हो रहे हैं जैसे सऊदी अरब के साथ ईरान के तल्क बेहतर हो रहे हैं अगर अमेरिकन को रोकना होगा तो रोकने के लिए सऊदी अरब में मौजूद जो अड्डे हैं उस पर हमला करना होगा जिससे ईरान सऊदी अरब कशीदगी भी हो सकती है या दीगर मुसलमान के साथ ममालिकी हो सकती है अब यहाँ पे प्रॉब्लम नाजरीन ये है कि क्या ये मुसलमान अलाउ करेंगे अमेरिका को कि वो अमेरिका को अपनी एयर स्पेस यूज़ करने दें माजी में हमने देखा है कि उन्होंने अलाउ किया है अब क्या होता है ये पता चल जाएगा अब आखिर में जो बहुत बड़ी न्यूज़ है नाजिन वह हम उसे ले लीजिए अमरीका के विज़िट के बाद बेंजामिन नीतन याहू जो है वापस घर आ रहा था वापस जो है वो आ रहा था अपने वतन आ रहा था जो कि उसका है नहीं इसराइल और वहाँ पर जो है यमनियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया गो के ये मलून जो है इसमें महफूज रहा है बच गया है लेकिन यमनियों ने यह बता दिया कि उनकी जो रीच है वो तेलबीब के एयरपोर्ट तक है अब यमन से तेलबीब का फासला जो है वो दो किलोमीटर का फासला है वहाँ तक उन्होंने मिसाइल पहुँचा दिया ये बहुत बड़ी बात है तो इस वक्त मैं आपको बता दूँ दोस्तों हिज़बुल्ला ने ऐलान कर दिया है हिज़बुल्ला के जो नए लीडर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इसका बदला लेंगे और यकीनी तौर पर वो इसका बदला ले रहे हैं यमनी भी इस वक्त उनके साथ हैं अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह बाद